बागली के नगर चापड़ा में होने वाले पंच कुंडात्मक महायज्ञ के लिए यादव समाज धर्मशाला पर रविवार को बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी ने आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। सभी तहसीलों में पीले चावल बांटकर यज्ञ का निमंत्रण दिया जाएगा। 17 जनवरी को चापड़ा में भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। बैठक में प्रांत संगठन मंत्री अतुल महेश्वरी, प्रांत अध्यक्ष राम प्रसाद सूर्या, प्रदेश मंत्री नारायण यादव उपस्थित थे। पंचकुंडीय यज्ञ के साथ संगीतमय नर्मदा पुराण कथा का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें पूज्य दीदी माँ अखिलेश्वरी देवी के मुखारविंद से नर्मदा पुराण कथा एवं महर्षि उत्तम स्वामी जी की धर्म सभा होगी। पंचकुंडीय महायज्ञ में 25 जोड़े भाग लेंगे। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आज यहां पर भारतीय किसान संघ द्वारा एक बैठक रखी गई। भारतीय किसान संघ ने सन 2006 से एक बीड़ा उठाया था कि नर्मदा लाएंगे, मालवा बचाएंगे, क्योंकि पूरे मालवा क्षेत्र में किसानों को सिंचाई के लिए पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए वो बीड़ा उठाया था कि हर क्षेत्र में हर किसान को खेत तो पानी मिले। तो सबसे पहले सिपरा नदी में 2011 में नर्मदा का पानी डाला गया। उसके बाद अपने देवास ज़िले में नर्मदा काली सिंध के नाम से दो योजना बनी, एक फर्स्ट और टू। उसमें सोनकच, हाटपलिया तहसील को पानी मिला और दूसरे फेज में शाहजहाँपुर और राजगढ़ क्षेत्र को पानी मिला, लेकिन बागली और हाटपलिया क्षेत्र पूरी तरह से छूट गया था। इसलिए हमने फिर उसके लिए लंबा संघर्ष करा। 2018 से लेकर 2021-22 तक हमने धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन सब हुए। फिर हमारे हाटपलिया सिंचाई योजना के नाम से एक योजना मंजूर हुई, जिसको पूरे देवास ज़िले में उसका 7 तहसीलों में पानी पहुंचेगा। इसमें किसानों में खुशहाली आएगी और भारतीय किसान संघ ने इस बीड़ा को उठाया था, इसलिए किसान आज भारतीय किसान संघ 17 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में चापड़ा के अंदर में एक नर्मदा पुराण एवं पंचकुंडी महायज्ञ करने जा रहा है। इस हेतु यहाँ पर आज बैठक रखी गई, जिसमें हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय महेश जी चौधरी हम भोपाल से हमारे बीच आए, और हमारे मालव प्रांत के संगठन मंत्री अतुल जी माहेश्वरी और प्रांत के अध्यक्ष श्री राम प्रसाद जी सूर्या भी हमारे बीच यहाँ पर आए। क्या चर्चा हुई, क्या आगे रूपरेखा को लेकर? आगे रूपरेखा को लेकर हमें चर्चा हुई कि कम से कम 11,000 महिलाओं का कलश यात्रा 17 जनवरी को जमुना यज्ञ सो उसी रोज निकालना है, और अलग अलग समिति यहाँ पर करके 20 समिति आज बनाई गई, इसकी रूपरेखा बनाई गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।